हे गाइस, कनप्पा टीजर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि एबीए एंटरटेनमेंट करके एक चैनल है, उसमें आपको कनप्पा टीजर जो है देखने को मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। इस चैनल पे जाइए और टीजर देखिए भाई। ओके, हिंदी में तेलुगु में आया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ गया है। 1 घंटे में 4,000 या 5,000 गया है, तो बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअली कनप्पा टीजर किधर है। तो आप जाइए देखिए पहले। एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक रह गया मेकर्स का। ये लोग टाइम बताए 2:58 प्रीमियर का टाइम बताए, ठीक है ना, कि इस टाइम पे ट्रेलर का प्रीमियर होगा, लाइव होगा। पर यूट्यूब पर ऑफिशियली एचडी प्रिंट छोड़ा कब जाएगा, अपलोड कब किया किया जाएगा, वो टाइम नहीं बताए, अपलोड कर दिए बाद में, तो इसी वजह से शायद व्यूज़ कम है। ओके, तो ए भी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको वहां पे कनप्पा का टीजर देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कनप्पा टीजर के बारे में, कि कनप्पा का टीजर कैसा है एक्चुअली। ओके, तो गाइस कनप्पा का टीजर ओके है यार, बहुत अच्छा लगा, सही है, एक्शन देखने को मिला है। खास तौर पे विलन के किरदार में वही हमारे स्टार प्लस के महाभारत के जो दुर्योधन के किरदार में जो है ना, क्या नाम है, अर्पित लंका, ओके, वो इसमें विलेन के किरदार में है, जो कि कनप्पा के साथ लड़ाई करने के लिए आया है। और कनप्पा का नाम कनप्पा नहीं है, कुछ और बोला जा रहा है वहां पे, क्या सीन है बॉस, शायद फिल्म में पता चलेगा। ओके, एक्शन धुआंधार एक्शन है, हमें अक्षय कुमार और डार्लिंग प्रभास को भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जरूर ये उठता है कि भगवान शिव के किरदार में कौन है। ये एक्चुअली डार्लिंग प्रभास का जब वो पैरों का जो पोस्टर आया था, उस टाइम से ही ये सवाल उठने लगा है कि कौन है एक्चुअली, मतलब भगवान शिव के किरदार में। अक्षय कुमार भगवान विष्णु जी के किरदार में आएंगे, प्रभास भगवान शिव के किरदार में आएंगे, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी एक्चुअली में। तो गाइस जितना मुझे टीजर में पता चला, ओके, जितना मुझे टीजर में पता चला, दोनों ही भगवान शिव के किरदार में होंगे मेरे ख्याल से। मतलब वो कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब एक्चुअली भगवान शिव के किरदार में तो अक्षय कुमार ही होंगे, लेकिन जो भगवान शिव का जो ह्यूमन फॉर्म, जब जो वो मानव के अवतार में जब आएंगे, अपना जो वेश बदल करके जब आएंगे कनप्पा के पास, आएंगे कनप्पा को मदद करने के लिए, तो वो भगवान मतलब वो ये डार्लिंग प्रभास होंगे मेरे ख्याल से, जितना मुझे महसूस हुआ। क्योंकि भगवान शिव के किरदार में हमें अक्षय कुमार जी को भी देखने को मिल रहा है, उनकी आंखें, उनकी बैक साइड ऐसे देखने को मिला है, और आखिर में भी देखने को मिलता है कि कनप्पा मतलब विष्णु मंजू जी जब चिल्लाते शिवई आ करके, तो वहां पे अक्षय कुमार को ही देखने को मिल रहा है। और बीच में हमें डार्लिंग प्रभास की आंखें देखने को मिली है, भाई कमाल है यार, उनकी आंखें मजा आता है देखने में। ओके, तो उनकी आंखें देख करके भी लगा कि वो भी भगवान शिव के जैसा कुछ है। तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो ह्यूमन फॉर्म होगा, उनका जो मानव अवतार जो होगा भगवान शिव का, वही डार्लिंग प्रभास होंगे। ओके, तो जब तक वो मानवी अवतार में होंगे, तब तक प्रभास बन करके रहेंगे, और जब वो भगवान शिव के ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे, ओरिजिनल किरदार में आएंगे, तो वो अक्षय कुमार होंगे। ओके, तो कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो दोनों के दोनों ही भगवान शिव हैं। ओके, और ये सही है बॉस, ये सही है, दो दो हीरो को लेना, दो दो फैन बेस को लाना। ओके, दोनों की कैमियोस इस फिल्म को ज़्यादा बूस्ट करेगा, अक्षय कुमार के फैंस भी आएंगे, डार्लिंग प्रभास के फैंस, उनके स्टेडियम आएगा। ओके, ये है। और बीएफएक्स थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगा बॉस, उतना भी ये नहीं है, पूरा एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक सा लगा, उतना भी ये नहीं है। ओके, बीजीएम भी ओके, सही है बॉस। ओके, आप जाइए पहले एबीए एंटरटेनमेंट में टीजर है, आप जाइए देखिए, उसके बाद अगर के मुझे कमेंट करिए कि आपको टीजर कैसा लगा। ये तो बस छोटा सा टीजर है, 1 मिनट 40 सेकंड का। ओके, जब ट्रेलर वगैरह आएगा, फिल्म वगैरह आएगा, उसके बारे में ज़्यादा, मतलब ट्रेलर वगैरह, सॉन्ग वगैरह, बाकी सारी चीज़ें जब आएगा तो पता चलेगा। ओके, थैंक्स वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। रिलीज डेट मेंशन नहीं है, कमिंग सून है।